जी बिल्कुल नाज़रीन, जहाँ पर खेलों के मैदान आबाद होते हैं वहीं पर मुख्तलिफ जो प्रोग्राम्स हैं उनके इनेकाद से जो बच्चों के अंदर जो मुकाबले का रुझान है वो बढ़ता है। इसी हवाले से इस्लामी जमीयत तलबा मीरपुर के ज़ेर एहतमाम जो है वो स्टूडेंट एक्सपो का इनेकाद किया गया था। इस हवाले से आज हमारे साथ नाज़िम जो हैं एहतशाम भाई वो मौजूद हैं जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया। यहाँ पर मुख्तलिफ प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की है, इस हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग इस्लामी जमीयत तलबा की दावत पर यहाँ तशरीफ़ लाए। और इस्लामी जमीयत तलबा ने एजुकेशनल एक्सपो मुनक्कद किया है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये चौथा सीज़न है इसका। और इसमें हमने बेशुमार मुकाबले करवाए हैं जिसमें तकरीरी मुकाबला था, एसे राइटिंग का था, स्पीच कम्पटिशन के अलावा पबजी गेमिंग कम्पटिशन, आर्ट एंड एग्जीबिशन, इसके अलावा जो टॉपर हैं पूरे मीरपुर के स्कूलों और कॉलेजों के हमने इनमें उनको दावत दी। शहर के जो सियासी और समाजी शख्सियात हैं अल हिदमत फाउंडेशन के ज़िम्मेदारान, अलगर्ज़ ये कि मीरपुर के तमाम तालीमी इदारों से तलबा ने इसके अंदर शिरकत की। और हमारा जो मौक़िफ़ है या हमारा जो इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने का मकसद है वो यही है कि तलबा के अंदर हम मुस्बत सरगर्मियों को फ़रोग दे सकें। इसके साथ साथ हम जो कहना चाहते हैं यही है आम तलबा के लिए या देखने वालों की, हमारा यही पैगाम है कि आप लोग इस्लामी जमीयत तलबा का हिस्सा बनिए। हिस्सा बनने के बाद आपकी इस्लामी जमीयत तलबा ग्रूमिंग करेगी। और ये जो इवेंट हमने मुनक्कद किए हैं, हम चाहते हैं कि ये इवेंट कल आप मुनक्कद करें, यहाँ स्टेज के ऊपर कल आप लोग गए। कामयाबी के साथ आज का जो एक्सपो था वो अहतमाम पजीर हो रहा है। और आपको बताते चलें कि इसके मेहमान खसूसी डिप्टी कमिश्नर मीरपुर चौधरी अमजद इकबाल थे और मोजीन इलाका और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने आज जो तकरीरी मुकाबला जात और मुख्तलिफ स्टॉल सजाए, उसके बाद उनकी हौसला अफजाई के लिए इस्लामी जमीयत तलबा के जो ज़िम्मेदारान हैं उनकी जानिब से जो इवेंट यहाँ पर रखा गया था उसमें उनकी हौसला अफजाई के लिए स्टूडेंट्स के लिए शील्ड्स और इनामात का यहाँ पर जो है वो इंतज़ाम किया गया था और उनमें इनामात तकसीम किए गए हैं जिससे उनकी हौसला अफजाई हुई है। इस तरह के जो एजुकेशन एक्सपोज हैं वो स्टूडेंट्स के अंदर ना सिर्फ खेलों के साथ साथ जो है वो एजुकेशन की जो सरगर्मियाँ हैं हमें एजुकेशन और मुकाबले का जो रुझान है उसमें आगे बढ़ने के मौके फराहम करता है। इसके साथ अपने मेज़बान फैसल गुलजार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।